हेलो दोस्तों, कैसेरा 2040 मशीन में ADF में से प्रिंट निकालने पर जो ब्लैक लाइन या ब्लैक पट्टा आता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए और क्या सॉल्यूशन है उसका, वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम एक प्रिंट निकालते हैं इसकी और देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है, क्या पट्टा कैसा आ रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादातर मशीनों में आ ही जाता है थोड़ा यूज़ होने के बाद। ये देखिए, ये बीच में ब्लैक पट्टा आ रहा है और इसकी ओरिजिनल कॉपी भी देख लीजिए, क्लीन है। तो इसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा। अगर आपने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है तो जल्दी से ले लीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए और 59 रुपीज़ का सिर्फ मेंबरशिप है तो आप ले सकते हैं। उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि कभी भी आपको कंप्यूटर से कनेक्ट करना हो, लैंड से, या फिर और कोई सहायता चाहिए तो मैं आपको वो कर दूँगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो डस्ट दिख रही है अंदर की साइड, वो डस्ट है, उसको कैसे निकालना है और कैसे साफ़ करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाता हूँ। और ध्यान से खोलिए, इसमें जो कांच रहता है वो टूट ना जाए, वो ख्याल रखिए। ये जो बेल्ट दिख रहा है इसको आराम से खोलना, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई तो ब्लैक कॉपी भी आ सकती है। फिर इसके जो दो कनेक्शन है उसको भी निकालना है, वो भी आराम से खोल लीजिए। अभी इसकी पैनल है उसको हमें खोलना है, तो नीचे की साइड लॉक दिया हुआ है दोनों साइड में एक एक, तो दोनों को दबा के फिर पैनल को ऊपर की साइड खींच लीजिए। ये देखिए, इसका कांच निकल गया है। तो कांच निकालने के बाद कांच को दोनों साइड से साफ कर देना है और अंदर जो भी डस्ट हो वो भी साफ करनी है। पानी और न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं, उससे कांच एकदम बढ़िया से साफ हो जाएगा। और हो सके तो इसमें थोड़ा ऑयल भी कर दे स्कैनर में, ताकि आराम से घूम सके और कोई आवाज़ भी ना आए।
मशीन फिट हो गया है, अभी हम फिर से एक प्रिंट निकालते हैं, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा है इसमें। देखिए ये प्रिंट दिया अभी। ये इसकी ओरिजिनल कॉपी है और ये इसकी जेरोक्स होके आई है। ये दोनों देखिए दोनों सेम ही आ रही है, इसमें पट्टा जो आ रहा था ब्लैक वो निकल गया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।